हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्लास थर्ड का चैप्टर 5 आपको दिया गया। अब आगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। जब डेमन और पिथियास की बात हुई कि डेमन ने कहा कि हम जो है राजा से कहेंगे कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो तो मैं तुम्हारे स्थान पर प्रिजन में, जेल में रह लूँगा। पिथियाज शॉक्ड, नो डेमन। इस पर पिथियाज जो है अचंभित हो गया। पिथियाज अचंभित हो गया, कहा, नहीं डेमन, आई कैन नॉट लेट यू डू सच ए फुलिश थिंग। क्या कहा? आई कैन नॉट लेट यू डू सच ए फुलिश थिंग्स। तुम्हें मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने दूंगा। फुलिश थिंग, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने दूंगा। फिर नरेटर, नरेटर था, नरेटर ने कहा, डेमन एट वंस वेंट टू द किंग एंड बेग्ड ऑफ हिम। डेमन तुरंत राजा के पास गया। डेमन तुरंत राजा के पास गया। क्या राजा के पास जा कर के डेमन ने बेग्ड किया, प्रार्थना की, बेग्ड प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? डेमन ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज। डेमन ने कहा, महाराज, आई हैव कम टू रिक्वेस्ट यू, आई हैव कम टू रिक्वेस्ट यू। टू रिक्वेस्ट, निवेदन करना। टू रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना। मैं आपके पास आया हूँ निवेदन करने के लिए। टू परमिट पिथियास, टू परमिट पिथियास, या पिथियास को जो है परमिशन दे दीजिए, परमिट दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए कि पिथियास जो है अपने टू गो होम टू सी हिज मदर, कि पिथियाज घर जाए और अपनी मदर से मिलकर आए। ऐसा जो है डेमन ने कहा। दिस इज हिज लास्ट विश, यह उसकी अंतिम इच्छा है। क्या कहा? यह उसकी अंतिम इच्छा है। लास्ट विश, लास्ट विश मीन्स अंतिम इच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। डायनोसियस जो राजा था, हाउ डू आई नो ही विल रिटर्न। मैं कैसे जानूँ, मैं कैसे समझूँ कि ही विल रिटर्न, वह वापस आ जाएगा। ही विल रिटर्न, मैं कैसे समझूँ कि वह वापस आ जाएगा। डेमन ने कहा, योर मजेस्टी, आई विल टेक हिज प्लेस। क्या कहा? डेमन ने कहा, योर मजेस्टी, आई विल टेक हिज प्लेस, मैं उसका स्थान लूँगा, मैं स्थान पर रहूँगा। इफ, अब आगे क्या है? इफ ही डज नॉट कम बैक, यदि वह वापस नहीं आता है। इफ, इफ मतलब यदि, यदि ही डज नॉट कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना। ऑन दैट डे ही हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, यू कैन किल मी, वह जो है दोषी माना जाएगा। और यू कैन किल मी इंस्टीड ऑफ हिम, आप मुझे मार सकते हैं। क्या कहा? आप मुझे मार सकते हैं इंस्टीड ऑफ हिम, उसके स्थान पर। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, ठीक है, आप मुझे मार सकते हैं। डायनोसियस ने कहा, आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू आर सेइंग। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं नहीं समझता कि तू यू नो, तुम जानते हो, व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, यह मैं नहीं समझ पा। डेमन ने कहा, बट योर मजेस्टी, बट योर मजेस्टी, आई डू, मैं यह करूँगा, मैं यह करूँगा।
पिथियाज इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या कहा? पिथियाज इज माई बेस्ट फ्रेंड, पिथियाज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या कहा? आई नो ही विल कीप हिज वर्ड्स, ही विल कीप हिज वर्ड, कीप हिज वर्ड मतलब कीप वर्ड मतलब वादे को पूरा करना। तो उसने बताया कि वह अपने वादे को अवश्य पूरा करेगा। डायनोसियस ने क्या कहा? आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता। लेट मी सी इफ़ यू रियली मीन इट, आई विल टेस्ट यू। लेट मी सी, मुझे देखने दो कि यू रियली मीन इट ना, तुम सही कहते हो। आई विल टेस्ट यू, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। लेट यू एक्सचेंज प्लेस, तुम स्थान बदल दो। पिथियाज मस्ट बी बैक बाई नून ऑन द 10th डे फ्रॉम टूडे। डायनोसियस, पिथियाज जो है मस्ट बी बैक, वापस आएगा बाई नून दोपहर तक, ऑन द 10th डे फ्रॉम टूडे, आज से 10वें दिन, आज से 10वें दिन। इफ ही डज नॉट रिटर्न इन टाइम, इफ ही डज नॉट रिटर्न इन टाइम, यदि वह जो है समय पर वापस नहीं आता है, ठीक है, देन इफ ही डज नॉट रिटर्न इन टाइम, यदि वह समय पर वापस नहीं आता है, देन यू विल डाई इन हिज प्लेस, तब तुम्हें उसके स्थान पर मरना होगा। डाई, डाई मीन्स मरना, ठीक है। नरेटर, नरेटर ने क्या, अब नरेटर बताता है, जो कहानीकार है, जो वर्णन करता है, नरेटर, नरेटर क्या बताता है? सो, सो मीन्स होता है इसलिए। पिथियाज वेंट टू सी हिज मदर, इसलिए पिथियाज जो है अपनी मदर एंड सिस्टर से मिलने गया, अपनी मदर और सिस्टर से मिलने गया। वाइल डेमन स्टेड इन प्रिजन, वाइल डेमन स्टेड इन प्रिजन, डेमन जेल में रहा। ही हरीड होम, वह जल्दी से घर आया। सो दैट ही कुड कम बैक इन टाइम, ताकि वह समय से वापस आ जाए। ही मेड अरेंजमेंट टू टेक केयर ऑफ हिज मदर एंड सिस्टर, उसने अरेंजमेंट किया, उसने व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? टू टेक केयर, ध्यान रखने की, ख्याल रखने की, हिज मदर और सिस्टर की, यानी कि अपने मदर और सिस्टर की जो है उसने व्यवस्था बनाई, कि पूरी व्यवस्था बना करके हम वापस चलें, इससे मेरी मदर और सिस्टर जो है सुरक्षित रह सके। ही सेड टू देम सैडली, ही सेड, उसने कहा, टू देम सैडली, दुखी होकर। ही वॉज अनलकी, वह दुर्भाग्यशाली था, वह अनलकी था, ठीक है। ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, ही हैड नो, ही हैड टू क्रॉस, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में, ही हैड टू क्रॉस, ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना पड़ा, क्या? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट में जंगल को, सम रॉबर्स, कुछ डाकुओं ने क्या किया, काट हिम, उसे पकड़ लिया, कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। दे स्टोल ऑल हिज मनी, तो डाकुओं ने पकड़ने के बाद क्या किया, उसने जो है उन्होंने उसका पूरा धन चुरा लिया, छीन लिया। एंड और टाइड हिम टू ए, टाइड हिम, टाइड मीन्स बांध दिया, हिम मतलब उसे, टू ए ट्री, एक पेड़ से। इट टूक हिम ए लॉन्ग टाइम, इट टूक हिम, उसे जा ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय लग गया, ठीक है, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को, अपने आप को फ्री करने में, यानी कि छुड़ाने में, ठीक है। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, ही वॉज वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, थक गया था बहुत, वेरी टायर्ड, थक गया था,
बहुत थक गया था, कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। किससे? विथ हंगर, हंगर मीन्स भूख से। ही विल हैड ए लॉन्ग वे टू गो। ही स्टिल, उसे अब भी, स्टिल मीन्स अब भी, हैड ए लॉन्ग वे टू गो, लंबे रास्ते पर जाना था, लंबी दूरी तय करना था। ठीक है, अब आगे देखिए। मीन व्हाइल क्या है? मीन व्हाइल, मीन व्हाइल की मीनिंग होगी इसी बीच, इन द सिटी, शहर में। इसी बीच क्या हुआ? शहर में पीपुल वर, लोग जो थे, वेटिंग फॉर पिथियाज, वेटिंग फॉर पिथियाज, पिथियाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, पिथियाज की प्रतीक्षा कर रहे थे। द किंग वेंट टू विजिट डेमन। अब डेमन से मिलने गया कौन? राजा। राजा जो है डेमन से मिलने गया। डायनोसियस, वेल व्हाट डू यू हैव टू से नाउ। अच्छा, अब तुम्हें क्या कहना है? व्हाट डू यू, तुम अब क्या कहना चाहते हो, या तुम्हें अब क्या कहना है? ठीक है, ऐसा डायनोसियस ने कहा। वेयर इज योर बेस्ट फ्रेंड, वेयर इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कहाँ है, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कहाँ है? डेमन ने क्या क्या कहा? देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है। आई नो पिथियाज इज ए ट्रू फ्रेंड, क्या कहा? मैं जानता हूँ कि पिथियाज जो है एक सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र है। अब देखिए डायनोसियस, डायनोसियस जो था, डायनोसियस ने क्या कहा? यू शुड लर्न नॉट टू ट्रस्ट एनी वन, यू शुड लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए नॉट टू ट्रस्ट, भरोसा नहीं करने का। ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना, विश्वास करना। एनी वन, किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यू हैव ओनली 2 आवर्स लेफ्ट, तुम्हारे पास केवल 2 घंटे बचे हैं। लेफ्ट मीन्स शेष या बचना, 2 आवर्स 2 घंटे। यू हैव ओनली मीन्स केवल। इफ ही डज नॉट रिटर्न बाई देन, इफ ही डज नॉट रिटर्न बाई देन, तब तक वह, यदि वह वापस नहीं आता है, यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना है चाहिए, तुम जो है मर जाओगे, यू मस्ट डाई। अब आगे डेमन ने कहा, आई विल डू सो हैप्पीली, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं ऐसा करूँगा। आई विल डू सो हैप्पीली, योर मजेस्टी, महाराज, ऐसा जो है डेमन ने राजा से कहा। नरेटर ने कहा, क्या कहा? नरेटर बताता है, नरेटर जो है बताता है, 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटे बीत गए, बाई वेरी क्विकली, बाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से 2 घंटे बीत गए, वेरी क्विकली। पिथियास डिड नॉट कम, पिथियास नहीं आया, 2 घंटे बीतने के बाद भी पिथियास नहीं आया। द सोल्जर्स केम टू डेमन, सोल्जर्स डेमन के पास आए। दे टूक हिम टू द प्लेस ऑफ हैंगिंग, प्लेस ऑफ हैंगिंग, हैंगिंग के स्थान पर जहाँ फांसी पर लटकाया जाना था, वहाँ पर पहुँच गए लेकर के उसे। अब अगले पेज में चलते हैं। पिथियास रनिंग इन, पिथियास दौड़ते हुए, स्टॉप आई एम बैक, पिथियास दौड़ते हुए आया, क्या कहा? कि रुक जाओ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। कम बैक, सम रॉबर्स कॉट मी, कुछ डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया था, कुछ डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया था। लेट हिम गो, उसे जाने दो। इट इज़ आई दैट मस्ट डाई, मैं हूँ जिसे मरना चाहिए। थैंक गॉड आई एम ऑन टाइम, मैं समय पर आ गया, भगवान की कृपा से
मैं समय पर आ गया। नरेटर क्या बताता है? नरेटर, एवरी वन वॉज क्वाइट, सभी लोग शांत थे। दे कुड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दैट दीज टू फ्रेंड्स वर विलिंग टू डाई फॉर ईच अदर। क्या ये तो दोनों दोस्त हैं, विलिंग टू डाई फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए मरने की विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा रखते हैं। डायनोसियस, टूडे, आज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, डायनोसियस ने क्या कहा? टूडे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई लाइफ, अपने जीवन में पहली बार, आई हैव अंडरस्टूड, मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? आई हैव अंडरस्टूड, मुझे समझ में आया क्या? द मीनिंग मतलब समझ में आया, अंडरस्टूड समझ में आया, क्या समझ में आया? मीनिंग समझ में आया। किसकी मीनिंग समझ में आई? ऑफ रियल फ्रेंडशिप, मतलब सच्ची मित्रता की मीनिंग समझ में आई। आई हैव नेवर सीन सच फ्रेंड्स, आई हैव नेवर सीन सच फ्रेंड्स, मैंने ऐसे मित्र मित्र को, ऐसे दोस्तों को कभी नहीं देखा है। सच फ्रेंड, सच मित्र, ऐसे, ऐसा, हु आर रेडी टू, हु मतलब जो, हु आर रेडी टू डाई फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। आई कैन नॉट किल सच ए फ्रेंडशिप, ऐसी मित्रता को मैं नहीं मार सकता। आई कैन नॉट किल, मैं नहीं मार सकता सच ए फ्रेंडशिप। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? टू सेट बोथ ऑफ यू फ्री, सेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को छोड़ने का, यानी कि आज़ाद करने का। नरेटर अब बताता है, नरेटर जो था, नरेटर बताता है, द पीपुल चीयर द किंग, राजा की प्रशंसा, यानी कि लोगों ने राजा की प्रशंसा की। एंड डेमन एंड पिथिया थैंक गॉड फॉर ए न्यू लाइफ, और नए जीवन के लिए डेमन और पिथियाज ने क्या किया? भगवान को धन्यवाद दिया। ठीक है, तो अब यहीं पर यह लेसन फिनिश होता है। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स को अपने पास ज़रूर रखेंगे, मीनिंग एक एक करके आपको बताई गई, तो मीनिंग को ज़रूर नोट करेंगे। बुक में ही पेंसिल से नोट कर लें, जिससे बाद में समझने में कोई परेशानी आपको ना आए। थैंक यू, धन्यवाद।